गुड morning children, how are यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ़ yourself. सो so, children, टुडे वी आर गोइंग टू डू न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर sixteen, गेम्स वी प्ले हम सारे जो है वो गेम्स खेलते और आप सब भी जो है वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ या भाई बहन के साथ सबके साथ गेम्स खेलते होंगे। तो so, ये जो चैप्टर है ये गेम्स के ऊपर है और लेट्स सी किस chapter चैप्टर में क्या है ऑल द children were playing स्टप्पो हॉप स्कॉच इन द लेन अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर आल्सो प्लेइंग बट नंदिता वाज़ नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे अब ये जो चैप्टर है इसके अंदर बताया गया है कि ऑल द चिल्ड्रन व प्लेइंग सारे जो है बच्चे हॉपस्कॉच खेल रहे थे अपनी लेन मतलब कि जहाँ पर उनको अपने घर के बाहर जगह मिलती है उस लेन लाइन प्लेस पे वो लोग क्या कर रहे थे गेम खेल रहे थे हॉप अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर आल्सो प्लेइंग अवंतिका और उसकी बहन नंदिता वो दोनों भी गेम खेल रहे थे बट नंदिता वाज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे नंदिता जो है वो गेम को सही तरीके से राइट वे में नहीं खेल सक रही थी अवंतिका तो अवंतिका क्या बोलती है लिसन टू मी केयरफुली नंदिता अंडरस्टैंड द गेम मुझे ध्यान से सुनो नंदिता और गेम को समझो थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स सबसे पहले जो उनको मार्कर मिला है उसको जो है फर्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है सारे उन्होंने बॉक्स बनाए हैं और उसको भी नंबर दिए है वन टू थ्री फोर इस तरीके से तो वो जो है वो मार्कर को क्या बोल रही है कि फर्स्ट बॉक्स में मार्कर फेंको देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इन टू द नेक्स्ट वन अब जो एक लेग के ऊपर मतलब एक ही पैर के ऊपर नेक्स्ट बॉक्स के अंदर से जंप करना है Keep in mind, you can put both your feet together on only in the boxes marked 4 and 5 and 7 and 8 अब यहाँ पर 4 और 5 जो है वो साथ में दिया हुआ है और 7 और 8 साथ में दिया हुआ है वो क्या बोल रही है कि ये दिमाग में रखना कि बाकी सारे boxes में सिर्फ एक ही पैर नीचे रख सकते हो लेकिन फोर और फाइव में और सेवन और एट में आप दोनों पैर नीचे रख सकते हो टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द Lines, और ध्यान रखना कि तुम्हारा पैर जो है वो लाइन्स को टच ना करे यू आर और अगर वो टच करता है तो तुम क्या हो जाते हो आउट ऑफ द गेम वेन यू रीच द लास्ट बॉक्स टर्न अराउंड और जब तुम लास्ट बॉक्स पे पहुंचो तब क्या करना है टर्न अराउंड मतलब कि घूम जाना है वेन कमिंग बैक पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक और उसके बाद आने के टाइम पे तुम्हें क्या करना है जो मार्कर तुमने फेंका है उसको उठा कर लेकर आना है वापस नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑन द बॉक्सेस वन बाय वन एंड कंटिन्यू द गेम गेम उसको जो गेम दिखाई गई है बताई उसने पूरी सिखाई है वो क्या बोल रही है कि जैसे ही तुम चलती जाओ आगे वैसे ही मार्कर फेंकते जाओ और मार्कर फेंक के और तुम आगे बढ़ती जाओ जो चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग दैम प्ले शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद डैम शी किड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू द चिल्ड्रन लाफ्ट अलाउड अब क्या होता है कि जब बच्चे ये सारी गेम्स खेल रहे होते हैं तो दूर से चाची जो है वो देख रही होती है बच्चों को खेलते हुए शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद डैम और उसका भी क्या मन होता है कि वो भी ये गेम खेले और वो रह नहीं सकती और वो क्या पूछ लेती है बच्चों को कैन आई प्ले विथ यू क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेलू द चिल्ड्रन लाफ्ट अलाउड और बच्चे जो है वो क्या करते हैं जोर से हंसने लगते है अवंतिका चाची यू विल प्ले अवंतिका क्या पूछती है कि चाची तुम भी खेलोगे चाची बोलती है डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉप स्कॉच एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स चाची क्या बोलती है कि तुम्हे क्या लगता है की मुझे हॉप खेलने नहीं आएगी जब मैं आपकी एज में थी तब हमने तो बहुत सारी अलग अलग गेम्स खेली है नंदिता तो नंदिता क्या पूछती है विच गेम्स डिड यू प्ले चाची चाची आपने कौन सी कौन सी गेम्स खेली चाची लंगड़ी टांग हाइड एंड सीक सेवन टाइल्स एंड मैनी मोर इन कबड्डी आर टीम वॉज द बेस्ट अमंग टेन विलेजेस अब चाची क्या बोलती है कि लंगड़ी टांग हाइड एंड सीक हाइड एंड सीक सेवन टाइल्स टाइल्स एंड सो मैनी मोर गेम्स ये सारी गेम्स खेली और कबड्डी में तो हमारी जो टीम थी मतलब जो चाची वाली टीम थी वो क्या टेन विलेजेस में से सबसे बेस्ट टीम थी तो आगे ये बातचीत चलती है तो अब कौन बोलता है रजत पूछता है चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम वी हार्डली गेट टाइम टू प्ले वो क्या बोलता है कि तुम्हें इतना सारा गेम्स खेलने का टाइम मिलता कहाँ से था हमको तो मान मान थोड़ा सा खेलने के लिए टाइम मिलता है चाची यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम तुम तो पूरा टाइम क्या करते हो टी वी देखते हो टी वी देखने में आप सब बिजी हो जाते हो नंदिता चाची डिट चाचा प्लेस गेम्स टू अब नंदिता क्या पूछती है कि चाची चाचा भी ये सारे गेम्स खेलते थे चाची योर चाचा सेट द ही यूज टू प्ले मार्बल्स सेवन टाइल्स रेस्लिंग कबड्डी गिल्ली डंडा एंड सो मैनी अदर गेम्स द होल्ड डे वाइल प्लिक While फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन forget his हिज मील्स अब जो वो लोग पूछते हैं कि चाचा भी गेम्स खेलते थे तो चाची क्या जवाब देती है कि चाचा तो ऐसा बोलते हैं कि वो मार्बल्स खेलते थे फिर सेवन टाइल्स रेसलिंग, कबड्डी गिल्ली डंडा ऐसी सारी गेम्स खेलते खेलते उनके पूरे पूरे दिन निकल दिन निकल जाते थे वाइल्ड फ्लाइंग काइट्स ही वुड इवन फॉर हिज मील्स और जब काइट फ्लाई मतलब कि पतंग उड़ाते थे तो तो वो खाना तक भूल जाते थे उसके बाद जो है कॉन्वर्जेशन होती है नंदिता चाची डू कम एंड प्ले अब क्या बोलती है नंदिका नंदिता बोलती है कि आओ चाची हम भी खेलते हैं चाची स्टार्टेड प्लेइंग चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग अब थोड़ी देर तक चाची खेले तो उसके बाद क्या हो गया रेनिंग मतलब कि बारिश होने शुरू हो गई ऑल द चिल्ड्रन सारे बच्चे क्या बोले ओ oh, नो no. चाची लेट एस गो टू माई हाउस विल प्ले इन साइड अब चाची क्या बोलती है कि चलो मेरे घर के अंदर चलते हम घर के अंदर खेलते हैं चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस और बच्चे ये सुनकर खुश हुए ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट्स गो टू द चाचीज हाउस टू प्ले चलो जल्दी जल्दी हम सारे भी जाते हैं चाची के घर में खेलते हैं द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ आर प्लेइंग चेस अब जब बच्चे घर के अंदर आते हैं बारिश से बचने के लिए तो क्या होता है वो घर में क्या देखते हैं चाचा और बुआ दोनों क्या कर रहे होते हैं चेस खेल रहे होते अवंतिका वॉट शुड वी प्ले अवंतिका क्या बोलती है कि अब हम घर में क्या खेले रजत लेट प्ले हाउस हाउस चलो हम हाउस हाउस मतलब कि घर घर खेलते हैं मेनी चिल्ड्रन येस लेट्स प्ले हाउस हाउस हाँ चलो हम भी हाउस हाउस खेलते हैं। सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि हाँ चलो हम भी हाउस हाउस खेलते रजत इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड इट रजत क्या बोलता है अगर हमारे पास एक डॉल होती तो हम उससे खेल सकते थे चाची डू यू वॉन्ट अ डॉल लेटस मेक वन राइट अवे अब चाची क्या बोलती है कि तुम्हें डॉल चाहिए तो चलो अभी के अभी हम अभी एक डॉल बनाते हैं चाची टुक आउट सम क्लोथ ओल्ड क्लोथ विथ हेल्प चिल्ड्रन मेड डॉल सम चिल्ड्रेन वॉन्टेड टू प्ले कैरम एन अदर्स लूडो दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग अब क्या हुआ कि कुछ बच्चों को लूडो खेलना था कुछ को कैरम खेलना था चाची ने बच्चों को डॉल बनाने में हेल्प करी और ऐसे वो ग्रुप ग्रुप में सारे अलग अलग गेम्स खेलना शुरू कर दिए और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको अपना ये पूरा चैप्टर रीड करना है और इसमें कुछ भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो मुझे और आगे की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है ओके थैंक यू